हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, यानी कि जब आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपके घुटनों से, एंकल से, हड्डियों से आवाज आती है, तो ये क्या कोई बीमारी है? बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं या फिर उनके अंदर कोई ज्वाइंट पेन जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं ये चीज क्लियर करने वाली हूँ कि ये कोई बीमारी है या ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने अंदर एक वहम पाल रखा है। किसी भी चीज़ का वहम पाल कर बीमारी है, हमें कोई तकलीफ है, ये अपने मन में रखना बिल्कुल गलत है। तो यही बात इस वीडियो में मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये कोई बीमारी है तो कौन सा इसका इलाज है, अगर बीमारी नहीं है तो इस वहम को हम बाहर निकालें। तो सबसे फर्स्ट बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको दो पहलू रखने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट है कि यही प्रॉब्लम, यानी कि हड्डियों से कट कट की आवाज़ आनी, अगर ये छोटी उम्र में हो रही है और आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ फील नहीं होती, सिर्फ आपको चलते उठते बैठते आवाज़ आती है, तो ये क्या है? अगर यही प्रॉब्लम बड़ी उम्र में हो रही है और इसके साथ आपकी हड्डियों से आवाज़ के साथ साथ दर्द भी होता है, तो ये क्या है? तो सबसे फास्ट, अगर यही चीज़ छोटी उम्र में हो रही है तो इसको क्लियर करते हैं। छोटी उम्र में हो रही है कटकट की आवाज़ और कोई पेन नहीं हो रहा, तो आप निश्चिंत हो जाएं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपकी हड्डियां कोई कमजोर नहीं है, आपको कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, आपके अंदर कोई ज्वाइंट पेन जैसी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपके अंदर जो वायु है वो अधिक है आपकी हड्डियों में, यानी कि गैस की तकलीफ है आपको और कुछ नहीं है। तो गैस की तकलीफ को दूर कीजिए। इस हड्डियों से जो आवाज़ आती है इसे ग्रेपिटस कहते हैं। जब हम चलते हैं या उठते हैं, बैठते हैं, तो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसमें एयर बबल्स बनते हैं और वो टूटते हैं, यानी बस्ट होते हैं, तो ये कटकट की आवाज़ आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम बन सकती है इन फ्यूचर, यानी बड़े होने के बाद और एज होने के बाद, अगर यही वायु बाहर ना निकाली जाए, इसका इलाज नहीं किया जाए। तो सिंपल सा मेथड ये है कि आपने रात को आधा चम्मच मेथी दाना भिगो देना है और सुबह इस मेथी दाने को खा लेना है भिगे हुए को, और पानी भी पी लेना है। ये बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा गैस बनती है, एक्स्ट्रा वायु है, उसको बाहर करता है। अगर हो सके तो इसके अंदर एक वॉलनट भी भिगो लें और वो भी सुबह इसी के साथ खा लें। बस इतना सा काम है और ये कोई बीमारी नहीं है, आप निश्चिंत हो जाएं। इसी की दूसरी तरफ बता दूं कि यही प्रॉब्लम अगर आपको बड़ी उम्र में हो रही है और हड्डियों में दर्द भी होता है, तो बता दूं कि ये जब हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसमें लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, यानी कि वही स्टेज जो छोटे होते हवा थी वो बाहर नहीं निकली, जो वायु थी, जो गैस थी, वो बाहर नहीं निकली, और वायु की, गैस की अधिकता हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, जो कि अंदर हड्डियों में स्टोर हो चुकी है, तो कटकट की आवाज़ भी आती है और आपकी हड्डियों में कैल्शियम की भी कमी हो चुकी है, यानी कि लुब्रिकेंट की कमी हो चुकी है। जब हमारी हड्डियों में लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है तो हड्डियां दर्द भी करती हैं और आवाज़ भी करती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेथी दाना लेना ही लेना है, और सेकंड है आपने अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करना है, और कैल्शियम की कमी को पूरा करने का बेस्ट सोर्स है, आप हल्दी वाला दूध पीजिए। आपको हल्दी वाला दूध कितना पीना है, एक गिलास में सिर्फ और सिर्फ आधा टीस्पून ही आपको इसमें हल्दी मिक्स करके बॉईल करके पीना है। ऐसा करने से कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाती है जितनी बॉडी को ज़रूरत है। इसके अलावा आप दिन में एक या दो बार गुड़ और भुने हुए चने, यानी रोस्टेड चने ज़रूर खाएं। रोस्टेड चनों पर कोई नमक नहीं होना चाहिए। ये अगर आप डाइट लेते हैं तो जिनकी हड्डियां दर्द करती हैं और आवाज़ भी आती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिनकी हड्डियां दर्द नहीं कर रही और कर भी रही हैं, तो दोनों को ही बैठकर ही पानी पीना है। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो जो हम बीच बीच में से सांस लेते हैं उसकी कारण से हड्डियों में हवा भरती जाती है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत खास है जिनकी हड्डियों से आवाज़ आती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।